बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ मेथी की। मैंने तकरीबन कुछ ही अरसा पहले इसके मेथी के सीड लगाए थे, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रो कर चुकी थी। तो आज मैंने सोचा चले मैं कटिंग भी करती हूँ, उस की रेसिपी भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, घर की बहुत ज़बरदस्त मेथी हमारे लिए तैयार हो चुकी थी। तो आज मैंने इसको कटिंग की है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त घर में मेथी लगी है हमारे। तो मैंने आज इसको कटिंग की और अब इसको मैं पकाने की तैयारी करने लगी हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त मेथी है। सबसे पहले मैं मेथी को साफ़ कर रही हूँ, छोटे छोटे पत्ते और टहनियाँ इसकी अलग कर रही हूँ। घर में लगी हुई ताज़ा सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप पॉट्स वगैरह में, क्यारियों में इसको लगा सकते हैं। मैं भी, ज़मीन तो मेरे नहीं है लेकिन मैंने भी इसी तरह छोटे छोटे पॉट्स और क्यारियों में मैंने इनको लगाया हुआ है, और ज़्यादा नहीं तो मेरे अपने लिए हो जाती हैं घर के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइम मैं अब मेथी पकाने की तैयारी मैंने शुरू कर ली है। अब मैं चीज़ें तैयार कर रही हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, ऑयल गर्म हो जाए तभी आप प्याज डालिएगा, और ठंडे ऑयल में कभी भी आपने प्याज नहीं डालना। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर कटे हुए टमाटर और साथ ही आप मसाला डाल दें, और तकरीबन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें और इसको थोड़ी देर के लिए भून लें। अब आलू इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह भून लें। भुनने के थोड़ी देर के बाद इसमें आप मेथी शामिल कर दें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दें पकने के लिए। अब कुछ देर के लिए हमने इसको छोड़ दिया था, अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लें, फिर बाद में इसमें धनिया आप शामिल। ये हमारी मेथी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये हमारी आलू मेथी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमारी आलू मेथी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपना ज़रूर फीडबैक हमें दीजिएगा, और कमेंट्स शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए देखने वाले यूट्यूब पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।